बच्चों आज हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों कि मैट्रिक्स गिवन है, हमें उसका ट्रांसपोज करना है। तो जो मैट्रिक्स की रो हैं, गिवन रोज हैं, उसे हम कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को बदल देंगे रो में। फॉर एग्जाम्पल, ये 3.3 का फर्स्ट सम है बच्चों, जिसमें हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एक ही कॉलम है बच्चों, और रो कितनी है? 1, 2, 3, 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम एक ही है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो कॉलम हमें गिवन है, इस कॉलम को हमें रो बना देना है। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये जो 5, 1/2 और -1 है, ये कॉलम है, इस कॉलम को हमने क्या बना दिया? रो बना दिया। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट है इसका, गिवन मैट्रिक्स हमें 1, -1, 2, 3। तो ये जो हमारा 1, -1 है, ये फर्स्ट रो है, तो हमने इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया 1, -1। और -1 और 3 जो है वो ये हमारा कॉलम है, तो हमने इसको रो बना दिया है। अच्छा बच्चों, इसका जो 3.3 का जो सेकंड सम है, उसमें हमें प्लस करके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है और माइनस करके, तो प्लस माइनस करना तो इजी है। तो हम लेटेस्ट सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करके जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो इससे हम मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें ए दिया हुआ है 1, -4, 3, जैसे फर्स्ट एक ही कॉलम है इसमें, और बी जो है -1, 2, 1। बच्चों जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है बच्चों, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने रोज हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है, उतने ही रोज उसमें होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं, उतने ही कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स में बनते हैं। क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली मैट्रिक्स का तो हम रो लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स का जो है वो कॉलम लेते हैं। फिर से सुन लो, पहली मैट्रिक्स का हम रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का हम कॉलम लेते हैं। तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो पहली मैट्रिक्स का रो है हमारा, रो में क्या एलिमेंट है हमारा? 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले कॉलम के मैट्रिक्स से। तो इसके पहले कॉलम में जो मैट्रिक्स है वो क्या है? -1। तो 1 × -1 क्या हो जाएगा हमारा? फिर 1 × 2 हो जाएगा, फिर 1 × 1 हो जाएगा, फिर -4 को हमने करना है बच्चों -1 से, -4 × -1, -4 × 2, -4 × 1, 3 × -1, 3 × 2 एंड 3 × 1। तो गिवन मैट्रिक्स जो हमारा रिजल्टेंट आया है बच्चों, वो क्या आया है? -1, 2, 1, 4, -8, -4, -3, 6 एंड 3। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है बच्चों, उसमें नंबर ऑफ रो जो हमेशा पहली मैट्रिक्स के बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के बराबर होते हैं। तो हमें ये थ्योरम वेरीफाई करनी थी कि ए बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी का जो ट्रांसपोज हम करते हैं इज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उनको मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमेशा बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, तो ए बी हमने निकाल लिया रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, उसके बाद में हम इसका ट्रांसपोज कर दिया है बच्चों, तो ये आया हमारे पास। अब हम निकालेंगे बच्चों बी डैश एंड ए डैश। इसका मतलब क्या है कि बी जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका ट्रांसपोज हमने किया, फिर ए का ट्रांसपोज किया, तो हमने पहले से ही इनको ट्रांसपोज कर दिया है। तो ये बी का ट्रांसपोज हुआ बच्चों और ये ए का ट्रांसपोज। अब हमने इनको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। सेम प्रोसीजर, पहली मैट्रिक्स का रो लिया है और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लिया है। ठीक है बच्चों, तो -1 × 1, -1 × 4, -1 × 3। तो ये हमारी आ गई रिजल्टेंट मैट्रिक्स की पहली रो। फिर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इन तीनों को तो सेकंड रो, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया है तो वो थर्ड रो। तो ये हमारा गिवन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आ गया हमारा सॉरी मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये जो मैट्रिक्स है इज इक्वल टू दिस, तो हैंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश मल्टीप्लाई बाई ए डैश। थैंक यू।